डेट्स याद कर लें, टेन्योर के डेट्स याद कर लें, ठीक है? कब से कब तक है? 1993 से 1996 तक। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफॉर्म्स हैं कुछ, और फिर डाउनफॉल पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अगेन इसके ऊपर सवाल किस तरीके से आ सकता है, तुमसे पूछ सकता है कि दो तरीके की कैटेगरीज आ सकती है। एक तो पूछ सकता है हाउ सक्सेसफुल वर दीज रिफॉर्म्स, ठीक है? या फिर दूसरी कैटेगरी में ये पूछ सकता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कौन सा था, सबसे इम्पॉर्टेंट वाला कौन सा था, ठीक है? तो डिस्कस, तुम्हें पहली अगर कैटेगरी आए हाउ सक्सेसफुल, इसके अंदर तुम इसके सारे रिफॉर्म्स लिखोगे और उसके प्लस माइनस लिखोगे। और अगर तुमसे पूछता है सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था, तो तुम्हें बस इसके अंदर सब रिफॉर्म्स लिखने होंगे और अपनी जजमेंट देनी होगी कि तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा था, ठीक है? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बढ़ते 1994 के अंदर बेनजीर भुट्टो ने यह अनाउंस किया कि फार्मर्स को उनकी हार्ड वर्क का रिटर्न मिलेगा। 1994 में बेनजीर भुट्टो ने अनाउंस किया, जस्ट लाइक द एजेंडा ऑफ हर फादर, रोटी कपड़ा मकान वाला, कि जो फार्मर है, वर्किंग क्लास है, पुअर क्लास, जो हमारे मुल्क को खुशहाल बनाता है, उनको रिटर्न सही से मिलना चाहिए, ठीक है? अब इसके लिए क्या किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेकमेंड किया कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए, ठीक है? वो कौन सी कमेटी होगी? वो ये कमेटी होगी, आपकी जो हुकूमत के अंदर आपकी जो कैबिनेट होगी प्राइम मिनिस्टर की, वो उसकी कमेटी होगी, ठीक है? यानी एग्रीकल्चर को देखने के लिए, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को देखने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट जो है ना, वो एक कमेटी बनाएगा। समझ गए बात को? प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट है ना, वो एक कमेटी बनाएगा, ठीक है? यानी ये जो एग्रीकल्चरल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी ना बेटा, ये तूचल में आया वाली कमेटी नहीं थी। ये किसको रिस्पॉन्सिबल थी? टू द कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो। डज दैट मेक सेंस? इसी तरीके से, अच्छा, ये कमेटी बनाने का मकसद क्या था? ये कमेटी बनाने का मकसद ये था ताकि एग्रीकल्चरल डिसीशंस अच्छे से लिए जा सके, ठीक है? फार्मर्स को हम किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं, फार्मर्स को क्या नॉलेज, क्या एक्सपर्टीज दे सकते हैं हम, ताकि हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट बेहतर हो, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री बेहतर हो। इसी तरीके से एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया गया था, जो किस लिए काम करता था? प्रमोशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। प्रमोशन करना क्यों जरूरी थी? प्रमोशन करना इस वजह से जरूरी थी कि आपका जो एग्रीकल्चरल आउटपुट होता है उसको लोग खरीदते, यानी जब तक एक ज्योग्राफी में एक दफा पास पेपर में सवाल आया था कि व्हाट कैन वी, जिस तरह हमने नहीं पढ़ा था फिशिंग इंडस्ट्री में फिश मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट को लोग पहचाने। तो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट जो बोर्ड था, उसका ये काम था कि प्रमोट करे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, ताकि लोग और दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो हमें पहचाने। इसी के साथ साथ नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिसके अंदर एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स बिठाए गए, जिनको समझ थी उस फील्ड के अंदर, और जो फार्मर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव। बेटा, फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव क्यों सिलेक्ट किए गए? वो इस वजह से सिलेक्ट किए गए ताकि जो जो मुश्किलात फार्मर्स को पेश आती हैं वो सामने रखा जा सके। ये जो रिफॉर्म्स होते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, ये बनाए किसके लिए जाते हैं? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट को, कैपिटलिस्ट को, या फार्मर को? तो ये जो फार्मर्स होते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव को लाने का मकसद ये था नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर, ताकि फार्मर्स को जो मसले मसाइल हैं वो हमारे सामने आ सके, ठीक है? इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल मशीन्स और ट्रैक्टर्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी। जब टैक्स कम हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स जो इंपोर्ट्स पे लगाते हैं आप, टैक्स दैट इज लीव्ड ऑन इंपोर्ट्स इज कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी। जब टैक्स कम हो गया तो मशीनें और ट्रैक्टर्स मंगाना सस्ती हो गई। यानी फार्म्स के ऊपर किस चीज में इंक्रीज आया? मैकेनाइजेशन। किस चीज में इंक्रीज आया? मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन में जब इंक्रीज आएगा तो आउटपुट बढ़ेगा कम होगा? जब मशीनें काम करेंगी तो तेजी से बढ़ेगा आउटपुट, या इंसान काम करेंगे तब? जब इंसान काम करेंगे तो मशीन से तेज काम कर सकते हो, हाँ, तो फिर किस में बढ़ेगा? मशीन के अंदर, ठीक है? मैकेनाइजेशन का मकसद ही होता है
ताकि फार्म का आउटपुट बढ़ाया जा सके। एग्रीकल्चरल साइंसेस डेवलप की गई, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्रेनिंग दी जाने लगी और तालीम दी जाने लगी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की समरी करते हैं। सबसे पहले बेनजीर भुट्टो ने आते ही अनाउंस किया कि भाई मैं जो है वो सेटिस्फेक्ट्री रिटर्न देना चाहती हूँ फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर किसान हमारी खुशहाली का सबब है सबसे बड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये रेकमेंड किया कि एग्रीकल्चरल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी कैबिनेट को। क्यों बनानी चाहिए? ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर को तरक्की दी जा सके, एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो भी रिलेटेड डिसीजंस हो वो बेटर तरीके से लिए जा सके। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए पीपीपी ने किसके साथ काम किया, किस चीज के ऊपर काम किया? एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट बोर्ड। इसी तरीके से फार्मर्स को जो मसले मसाइल होते थे, फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव और उन मसलों के हल निकालने के लिए एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स को बोला गया कि आप लोग पार्ट बने नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑर्डिनेशन कमेटी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी मशीन और ट्रैक्टर्स पर, तो इससे ये हुआ मशीन और ट्रैक्टर लोग मंगा, फार्मर्स को थोड़ा फीजिबल हो गया मंगाना, तो उससे आउटपुट बढ़ गया। अयूब खान को का दौर याद कराता चलूं, उसमें ये क्रिटिसिज्म थी कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया है वो मैकेनाइजेशन से आया है, लेकिन ये जो मैकेनाइजेशन है वो अफोर्ड सिर्फ वेल्दी फार्मर्स कर सकते थे, वेल्दी लैंडलॉर्ड कर सकते थे आम लोग, लेकिन बेनजीर का टारगेट वो वेल्दी लोग नहीं थे। बेनजीर और उसके अब्बा जुल्फिकार अली भुट्टो का हमेशा पूरी सियासत में जो टारगेट रहे हैं वो लोकल लोग रहे, और स्पेशली कौन से प्रोविंस के? सिंध के। इसी तरह एग्रीकल्चरल साइंसेस का मतलब ये होता है तालीम दी जाने लगी एग्रीकल्चरल के शोबे में, ठीक है, एजुकेशन दी जाने लगी, ट्रेनिंग दी जाने लगी। दीज वर द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, दीज वर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म्स हैं ये एक तरीके से सक्सेसेस भी हैं अपने अंदर, दीज रिफॉर्म्स आर ऑल्सो सक्सेसेस इन देमसेल्व्स। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या होगा? क्रिटिसिज्म अभी भी आप ये बोलोगे कि भाई मशीन और ट्रैक्टर भले थोड़े सस्ते हुए थे लेकिन इतने ज्यादा सस्ते नहीं हुए थे, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडिशनल फार्मर्स ऐसे थे जो अपने लाइफस्टाइल के साथ छेड़छाड़ करना देना नहीं चाहते थे, इन्हीं को उल्टा करते जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सोशल एंड हेल्थ रिफॉर्म्स के ऊपर। बेनजीर भुट्टो ने सोशल और हेल्थ रिफॉर्म्स क्या निकाले? सबसे पहला बेनजीर भुट्टो ने अनाउंस किया कि हम खवातीन के लिए पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स बनाएंगे और डेवलपमेंट बैंक्स बनाएंगे। डेवलपमेंट बैंक्स का मकसद ये था टू प्रोवाइड लोन्स, डेवलपमेंट बैंक्स का मकसद ये था टू प्रोवाइड लोन्स टू वुमेन सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर स्मॉल स्टार्ट देयर so provide loans to women, provide loans to women so that they can start their small businesses. Does that make sense? ठीक है, तो ये बोल बच्चन था, ज्यादा पूछने को जाएं आप मुझसे तो ये बोल बच्चन था। क्या बोल बच्चन था? कि हम women के लिए पुलिस स्टेशन बनाएंगे, कोर्ट्स बनाएंगे और डेवलपमेंट बैंक्स बनाएंगे। हत्ता के पीपीपी की गवर्नमेंट ने एज सच कोई लेजिस्लेचर पास नहीं किया, पीपीपी की गवर्नमेंट ने एज सच कोई लेजिस्लेचर पास नहीं किया, तो महज ये सिर्फ मुंह जबानी बातें थी। इसी तरीके से प्रेसिडेंट लगारी, ठीक है, उन्होंने ये कोशिश की कि मैं रिलीजियस कोर्ट्स को की पावर को कम करूं। प्रेसिडेंट लगारी ट्राइड to reduce the power of religious courts. वो इस वजह से क्योंकि religious courts में मैंने आपको बताया था ना इस्लामाइजेशन में मसला क्या था, वो औरतों के हुकूक को kill कर रहे थे, ठीक है, वो misunderstand हो रहे थे, वो reforms लोग उसको गलत तरीके से use कर रहे थे। तो President Legari ने बोला कि भाई religious courts की power को कम करना चाहिए, religious courts की power को कम करना चाहिए और विमेन के हुकूक के ऊपर बात करनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। लेकिन अच्छा, ये जस्ट बाय द वे यहाँ पर मैंने ये बात नहीं लिखी है, लेकिन प्रेसिडेंट लगारी ने ये बात अपने फर्स्ट एड्रेस में दी बोली थी। क्या? हाँ बोलो, अब बोल दिया तो बोल दो, बोलो बोलो
जब नहीं बोलना तो बंदा नहीं बोले, बोलना है तो बोल दो यार फिर, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ही सेड दिस इन हिज फर्स्ट एड्रेस, यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? प्रेसिडेंट लेगारी अभी हमें शामिल बताएगा, बेटा कौन सी पार्टी से था प्रेसिडेंट लेगारी का बताओ, कौन सी पार्टी से था, और मुझे इस बात का जवाब दो कि बेनजीर भुट्टो कौन सी पार्टी से थी, कौन? और प्रेसिडेंट लेगारी जी किस पार्टी से था रहेगा? फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों एक ही पार्टी से आ रहे थे, ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? आगे चलते हैं। इसी तरह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए। मैं आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल ये देता चलूं, फाइबर ऑप्टिक्स बिछाए गए थे ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर। फॉर एग्जाम्पल फाइबर ऑप्टिक्स वर लेड डाउन ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। इसी तरीके से पोलियो को खत्म करने के लिए स्कीम निकाली गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लिखो, फिर नहीं लिखोगे फिर भूल जाओगे, प्रेसिडेंट लेगारी को बना दोगे कहीं का, जल्दी लिखो, हाथ थोड़ा तेज चलाओ भाई, सबका हाथ देखो ना कैसा चलता है, ठीक है। तो इंडस की राइट बैंक पर इसकी, इंडस की राइट बैंक पर हमने फाइबर ऑप्टिक्स बिछाई थी, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट वगैरह दिया जा सके, तरक्की आना शुरू हो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। इसी तरीके से पोलियो खत्म करने के लिए पाकिस्तान में WHO की मदद से कैंप्स भी लगते थे, ठीक है, फ्री पोलियो का टीका लगाएं, कैंपेनिंग होती थी, एडवर्टाइजमेंट्स होती थी, ठीक है। इसी तरीके से बेनजीर भुट्टो ने साइन किया कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वेमेन, इट्स वेरी वेरी एक्सक्लूसिव टू माई नोट्स, ठीक है, will not find this, ठीक है, तो इसको प्लीज अपने पास याद कर लें कि क्यों, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये मैंने आपको बताया था, बेनजीर लिबरल आइडियोलॉजी वाली थी, बेनजीर वॉज ऑफ या वॉज अ सपोर्टर ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी, यानी वो कहती थी हर इंसान को हक होता है जीने का, औरतें भी इंसान है, औरतों के लिए भी राइट्स होने चाहिए, ठीक है। बेनजीर भुट्टो ने She brought support from Council of World Women Leaders for the Women of Pakistan. Benazir Bhutto ne especially women academics ke saath milkar Pakistani women ke rights ko protect karne ke liye international support laya. Benazir Bhutto brought international support from Council of World Women. ये बेनजीर भुट्टो के सोशल एंड स्लैश हेल्थ रिफॉर्म्स थे। डज दैट मेक सेंस? अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर, उस पर बात करने से पहले जल्दी से एक दफा इसी समरी कर लेते हैं। सबसे पहले बोला कि विमेन के लिए पुलिस कोर्ट्स बनाए जाएंगे, डेवलपमेंट बैंक्स बनाई जाएंगी, पुलिस स्टेशंस बनाए जाएंगे, लेकिन ये महज बातें थी क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई भी लेजिस्लेचर पास नहीं हुआ था। प्रेसिडेंट लेगारी ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि रिलीजियस कोर्ट्स की पावर को हम कम करेंगे और विमेन राइट्स इंक्रीज करने की बात, लेकिन एज सच कोई इम्प्लीमेंटेशन सामने नहीं आई थी। हाँ, इससे लोग खुश हुए थे कि लेगारी भी यही बोल रहा है जो कि बेनजीर बोल रही है। फाइबर ऑप्टिक्स बिछाए गए थे उन गाँव में जो इंडस की राइट बैंक पर लगते हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि बेनजीर भुट्टो किस तरीके से चाहती थी कि गांव देहात में बिजली पहुंचे, इंटरनेट आए, पढ़ाई का तालीमी निजाम बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। काउंसिल ऑफ वर्ल्ड विमेन से इंटरनेशनल सपोर्ट हमें बेनजीर भुट्टो ने लाकर दिया था, ठीक है। इसी तरीके से सीडो के बारे में आपको बता दिया, और लास्टली पोलियो की स्कीम्स, कैंप्स, एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, फॉर द
बेटरमेंट या फॉर द हेल्थ बेटर फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। अब हम आ जाते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे? चूंकि बेनजीर भुट्टो ने अपनी तालीम इकोनॉमिक्स में ली थी, सो शी टुक द चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। शी टुक द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बेनजीर भुट्टो ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर लिया। अब जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो बेनजीर भुट्टो की, वो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर को कंपेयर करना, पहले ये ओहदे किसको दे रही थी, अब ये ओहदे किसको दे रही है, तो तुम्हें समझ आएगा कि इंटरनल फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बेनजीर का किस तरह ग्रो कर रहा था। ठीक है, अपनी अम्मा के भी अगेंस्ट हो गए थे इनके फैमिली मसले मसाइल, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने कभी पब्लिक में आके फैमिली डिस्प्यूट को डिस्कस नहीं किया। प्राइवेटाइज कर दी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ठीक है, और ये बताना चाह रही थी लोगों को कि मेरे अब्बा जान जो थे, मैं उनकी गलतियों को ठीक कर रही हूँ। मेरे अब्बा जान ने क्या किया था याद है, नेशनलाइज कर दी थी, और वो भी नहीं दिया था, अच्छा रिटर्न भी नहीं दिया था, तो जिया ने फौरन आगे प्राइवेटाइज की थी और रिटर्न भी, याद है मैंने बताया था। तो बेनजीर भुट्टो ने बोला नहीं, हम इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज ही करेंगे, और जो गलतियां मेरे अब्बा से हुई नेशनलाइजेशन की, मैं उनको जो है ना वो बदल रही हूँ, या मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहती। हत्ता के इसने कोशिश बहुत की, लेकिन महंगाई, इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, महंगाई को, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स FBS से हमें ये पता लगता है, इनके रिकॉर्ड्स, आर्काइवल रिकॉर्ड्स, यहाँ नहीं लिखा टर्म, आर्काइवल रिकॉर्ड्स, इनसे ये पता लगता है कि ये जो रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे बेटा, ये मजदूर तबके को बेनिफिट नहीं कर रहे थे, ये इलीट तबके को ही बेनिफिट कर रहे थे। ठीक है, सो SOL का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, SOL का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, कई इंडस्ट्रीज इसने प्राइवेटाइज की, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जिनको इसने अपने हाथ में रखा, जैसे स्टील मिल हो गई, रेलवेज हो गई। क्यों हाथ में रखा? बिकॉज दीज वर प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज, तो अपनी गवर्नमेंट का खर्चा भी तो करवाना है। इसी तरीके से UBL बैंक की प्राइवेटाइजेशन को बेनजीर भुट्टो ने एक्सेप्ट, दीज देर आर मेनी न्यूमरस काउंटलेस एग्जाम्पल्स, मैंने सिर्फ चंद लिखी है यहाँ पर, ठीक है, जस्ट टू गिव यू मोर कॉन्टेक्स्ट, बुक इज वॉइड ऑफ ऑल दीज एग्जाम्पल्स, बुक में नहीं है। समझ आ गई इकोनॉमिक रिफॉर्म सबको? लिबरल आइडियोलॉजी की मालिक थी, लिबरलिज्म की बिलीवर थी, तो इसी तरीके से चाहती थी कि मार्केट इकोनॉमी फ्लरिश करे, तो इन्होंने प्राइवेटाइज की। बोला नेशनलाइजेशन मेरे अब्बा की गलती थी, गलती इन सेंस उसको इंप्रूव कर रही थी वो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का चार्ज खुद ले लिया। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनमें बहुत पैसा था, स्टील मिल है, रेलवे है, कुछ ऐसी बैंक्स थी जिनमें इन्होंने काले मुंह किए हुए थे, जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई थी, या कुछ ऐसी बैंक्स थी जिनको खुद के लिए इनको रखना था, उनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने खोला नहीं। उसमें से एक एग्जांपल UBL है, ठीक है। स्टैट्स के मुताबिक, रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अमीर के लिए बढ़ता जा रहा था और गरीब के लिए कम। आसान जबान में शिवाजी मूवी वाली बात, अमीर अमीर तर होता जा रहा था और गरीब गरीब तर, बस इतनी सी बात है। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आ जाएं। बेनजीर भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी, बेनजीर भुट्टो ने, शी अटेंडेड OIC, OIC क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, मोरक्को के अंदर ये मीटिंग्स हुई थी, वो इसने अटेंड की थी। इसमें पाकिस्तान की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से शी वाज द रिप्रेजेंटेटिव, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने बेटा ये डिमांड की थी कि कश्मीर इशू शुड बी रिजॉल्व्ड एज पर UN, UN के मुताबिक, UN के कायदे के मुताबिक, UN रेजोल्यूशन के मुताबिक। याद करो, अब अपने बाप की पॉलिसीज के उसको ठीक कर रही है ये, सही है। उसने शिमला एग्रीमेंट किया था, याद है किसके साथ, इंदिरा गांधी के साथ। इंदिरा गांधी की बेटा इस वक्त एज कितनी है कौन बताएगा? 1000 rupees का एज रिवॉर्ड। अरे अभी मतलब अभी टेंस मुश्किल है ना थोड़ा इसमें, इस वक्त बताएं इंदिरा गांधी की एज कितनी है, अंदाजा लगाए जब ये इसने कश्मीर वाली बात की थी। जी बोले। ओके, सो
रिवॉर्ड क्या दिए, चले जो सही बताएगा उसको रिवॉर्ड देते हैं 500 रुपीज कैश रिवॉर्ड। बोले एज बताएं, एज कितनी है इस वक्त? वेरी गुड, शाबाश। शी वॉज नॉट अलाइव, सही है, वो मर चुकी थी। और याद करो खालिस्तान इशू भूल गए, याद नहीं है बताया था खालिस्तान इशू, सिखों ने जो मूवमेंट चलाई थी इंडिया के अंदर, उसमें इन्होंने बोला कि राजीव गांधी ने, याद है ना मैंने बताया था, बोला था कि इसने मार दिया, पाकिस्तान इसे सपोर्ट कर रहे सिखों को, इनकी जो कैंपेनिंग चल रही है और उसमें इन्होंने हमारे जो है ना वो उसको मार दिया है, मेरी माँ को मार दिया है। खैर बहरहाल चले आगे चलते हैं। तो बेनजीर भुट्टो ने OIC अटेंड की मोरक्को में, ठीक है, उसमें इन्होंने बोला कि भाई कश्मीर इशू शुड बी रिजॉल्व एज पर UN रेजोल्यूशन। इसी तरीके से बेनजीर भुट्टो तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी इन अफगानिस्तान, ठीक है। आगे चले, बेनजीर भुट्टो ने खूब कोशिश की कि पाकिस्तान को एक पीसफुल कंट्री के तौर पे पेश किया जाए, शी शोड पाकिस्तान एज ए पीसफुल कंट्री टू USA। एंड ब्राउन अमेंडमेंट वॉज पास्ड विच अलाउड USA टू सेंड एड टू पाकिस्तान। ब्राउन अमेंडमेंट ओवर रूल्ड प्रेसलर अमेंडमेंट विच हैड प्रीवियसली नॉट अलाउड USA टू गिव F-16 प्लेन्स टू पाकिस्तान। ये क्या थे, सुने जरा, अपने पास इसको आसान जबान करके लिख लीजिएगा। प्रेसलर अमेंडमेंट ने यह बोला था कि हम पाकिस्तान को वेपन्स और जो F-16 जहाज है ये सारी चीजें नहीं देंगे। प्रेसलर अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि हम पाकिस्तान को ये सारी चीजें क्यों नहीं देंगे, इसके पीछे क्या रीजन थी। वो ये कह रहा था USA कि अगर हमने पाकिस्तान को ये दिया तो पाकिस्तान इसको यूज करेगा टू फाइट विद इंडिया ओवर कश्मीर इशू। पाकिस्तान इसको यूज करेगा टू फाइट विद इंडिया ओवर कश्मीर इशू। प्रेसलर एग्रीमेंट में ये बोला गया था कि अगर USA F-16 जहाज है या वेपन्स है, अगर ये एड देता है पाकिस्तान को तो पाकिस्तान इसका नाजायज फायदा उठा के इसको यूज करेगा टू फाइट विद इंडिया, और USA नहीं चाहता था कि ये फाइट हो, तो प्रेसलर अमेंडमेंट पास हुआ था, ठीक है, सॉरी। लेकिन हुआ क्या, बेनजीर को जब हुकूमत मिली तो बेनजीर की हुकूमत में प्रेसलर अमेंडमेंट को खत्म करके दूसरा अमेंडमेंट निकाला गया, ब्राउन अमेंडमेंट। क्या नाम लिया गया उसका, ब्राउन अमेंडमेंट में यह तय किया गया कि नहीं, बेनजीर की गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो पीसफुल गवर्नमेंट है और हम जो है ना वो पाकिस्तान को एड देंगे और जहाज वगैरह भी देंगे। डज दैट मेक सेंस, ठीक है। तो ये पाकिस्तान और USA के रिलेशंस बेहतर हुए इसकी टर्म में या वर्स हो गए, बेहतर हुए या वर्स हुए? रिलेशंस गॉट बेटर, रिलेशंस गॉट बेटर, लिखते चलें, रिलेशंस में काम आएगा कल, बिटवीन पाक एंड USA। डज दैट मेक सेंस, कोई मसला? कॉमनवेल्थ समिट अटेंड करने के लिए बेनजीर भुट्टो 1993 में इन्होंने ट्रैवल किया था, ठीक है। इस तरीके से ये जो रिफॉर्म्स हैं सर, इसमें से कितने याद करें? अगर तुम लोगों को देखो सवाल आ जाता है, ये एग्जामिनर है ना बहुत डैश बना करता है इसमें, क्यों? क्योंकि जो लेटर क्वेश्चंस होते हैं 4-5 ऐसे वाले, उसमें वो घुमा तरा के दे सकता है। एग्जामिनर तुम्हें फंसाएगा सीधी सीधी बात में, खुली बात बताता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन 1 में फंसाता है, 4 और 5 में फंसाता है, 2 और 3 वो देता ही इसलिए क्योंकि 90% बच्चा जो होता है वो 2 और 3 को अटेम्प्ट कर रहा होता है, 90% बच्चा, ठीक है, 2 और 3 को अटेम्प्ट कर रहा होता है। फंसाएगा किसमें, 1 में। अगर 1 में उसने जिया दे दिया, बेनजीर दे दिया, लग गए, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि ये थर्ड सेक्शन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर वो फर्स्ट में दे दिया उसने तो बंद होके रह जाएगी तुम्हारी, इस वजह से रटवा रहा हूं ये सारे रिफॉर्म्स। अगर फर्स्ट तुम्हारा सही हो गया, ओ भाई तुम्हारा स्टार पक्का, पहला तुमने सही कर दिया, एग्जामिनर के ऊपर ठेठ मार दी, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली जब थर्ड सेक्शन से पहला कंपलसरी आ जाएगा, बेनजीर के ऊपर आ जाएगा या नवाज शरीफ के ऊपर। देखो कैम्ब्रिज की पॉलिसी ये कि ओवर 8 या 10 साल उन्हें पूरा सिलेबस टेस्ट करना होता है,
अब तक सोर्स रिपीट नहीं हुई है कभी, हर बार अलग क्वेश्चन आया है। नवाज शरीफ और जियाउलक पे आया है सवाल, पूरा का पूरा 25 मार्क्स। नवाज शरीफ बेनजीर पे नहीं आया है, अयूब पर भी आते हैं सवाल, लेकिन नवाज शरीफ और बेनजीर का पूरा एक टेन्योर है बड़ा, पूरा एक चैप्टर ही डेडिकेट किया हुआ है। अगर ये वन में आ जाएगा तो रटे हुए होंगे पॉलिसी तो तुम्हारे लगे, याया पे नहीं आ सकता कभी वन में, क्योंकि वो छोटा सा है, समझ रहे हो। क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश पे कंबाइन आएगा सवाल, उसमें रीजन पूछ लिए, वजूहात पूछ ली, एक्स वाई जेड। यार आप है ना मुझसे बिल्कुल बेवकूफाना सवाल करते हो। एक तो आप लोग जो है ना, वो अभी मैं क्या बकवास कर रहा था, बिल्कुल आए और इस बार हाई चांसेस हैं कि सेक्शन 3 में से आए, 1 में से तो नहीं आना है। खैर एग्जामिनर को हम बोल नहीं सकते, इस बार भी सेक्शन 2-3 में से आना था, 1 में से उठा के दे दिया, लेकिन बहरहाल। तो इसको अब इसमें से सर पूरी याद करें, अगर सवाल आ जाएगा टू व्हाट एक्सटेंट वाज बेनजीर भुट्टोस फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल, तो इसमें से सारे नहीं तो कम से कम 80% तो याद होने चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो पॉलिसीज में से। तो जो तुम्हें सही लगे आसान लगते हैं उन्हें रटना है, ये रोड मेमोराइजेशन है, ठीक है। बेनजीर भुट्टो ने टर्की विजिट किया था, उससे हमारे टर्की के साथ रिलेशन, मुस्लिम कंट्री है टर्की, इज अ मुस्लिम कंट्री, उससे हमारे रिलेशन टर्की के साथ बेटर हुए, ठीक है। टर्की को इजाजत दी गई थी टू सेट अप बैंक इन पाकिस्तान, डज दैट मेक सेंस। इसी तरीके से बेनजीर भुट्टो ने चाइना विजिट किया, ठीक है। दोनों कंट्रीज ने मुख्तलिफ शोबों के अंदर पैक्ट साइन किया, ठीक है। बेनजीर भुट्टो मेट चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली पेंग, और दोनों ने पैक्ट साइन किए किस किस शोबों में, एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इसमें मिसाल ये, चाइना हेल्प टू बिल्ड द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डज दैट मेक सेंस। इसी तरह चाइना ने हमें कई मिसाइल्स दिए, वेपन्स दिए। इस मैंने आप लोगों को कल फ्रांस वाला कॉन्टेक्स्ट बताया था ना, कि हमने फ्रांस से तो लेना बंद कर दी यूएसए के, लेकिन चाइना से हमने दूसरे तरीके से, तो अब वो चाइना के साथ हमारी दोस्ती यहाँ पर लिख लें, इम्प्रूव्ड रिलेशंस, इम्प्रूव्ड रिलेशंस विद चाइना। अपने पास एक बात दिल पर बिठा लें, दिल पर, वो बात ये है कि दो मेन पावर्स हैं वर्ल्ड में। 1945 जब पाकिस्तान आजाद हुआ है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में दोबारा बताऊंगा, 1945 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ है उस पीरियड को हम कहते हैं पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर। क्या कहते हैं? दो मेन जो है ना वो शैतान है, एक यूएसए है जो के रिलीजियस है, ठीक है, कैपिटलिस्ट है ये कह सकते हैं, और दूसरा यूएसएसआर है रशिया जो कम्युनिस्ट है। पाकिस्तान के पास शुरू से ये चॉइस थी, आइदर कम्युनिस्ट को चूज करे या कैपिटलिस्ट को, हमेशा पाकिस्तान ने किसको चूज किया, यूएसएसआर रशिया या यूएसए, शुरू से सिंस स्टार्ट, ठीक है। पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है हम यूएसए के, समझ रहे हो, सॉरी वो तो फिर एक अलग ही पॉलिटिक्स बन गई ना यार, उसके बाद तो तुम देखो ना हमारे पास मुशरफ का दौर आया, हर चीज हुई, तो दैट्स यू नो अभी भी डिप्लोमेसी चल रही है, समझ रहे हो बात को। अब तो यूएसए से टूट गया ना, ताजिकिस्तान ये वो सब अलग हो गए, पाकिस्तान हम जो है ना वो इन मुल्क, क्या नाम है, उज़्बेकिस्तान है, इन मुल्क के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है। अब मैं तुम्हें इमरान खान की बात बताता हूँ, दुनिया में पाकिस्तान के अंदर ये एक वाइल्ड पॉलिटिशियन है जिसकी रैली में कभी बम नहीं फटे, विविड सपोर्टर ऑफ तालिबान गवर्नमेंट, इमरान खान, तालिबान आगे वहां पर टेक ओवर हुआ है, पाकिस्तान में क्या हालात खराब हुए, कुछ हालात खराब हुए, हुकूमत भूल जाओ, अगली किसी और के बाप को भी मिल सकती है, भूल जाओ, इमरान खान की अब सारी हुकूमत है, खाली आके दिखाए कोई, फिर देखो तालिबान क्या करते हैं। इमरान खान इज अ की प्रमोटर ऑफ तालिबान गवर्नमेंट और सपोर्टर है बहुत बड़ा तालिबान, तालिबान ने कुछ किया अब तक, समझ रहे बात को आप, तो उसको पता है कि हमारे, ठीक है ना यार, खामोश करो, बकवास बंद कर लो। चले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देखें, बेनजीर भुट्टो के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स देखें। सबसे पहला केस ऑफ जरदारी,
केस और एक जरदारी सप्पे बारी, ठीक है। बेनजीर ने आसिफ अली जरदारी को जेल से छोड़ दिया, प्रिजन से रिलीज कर दिया, ठीक है, और अपनी अम्मा के साथ उन्हें कैबिनेट का मेंबर बनाया, ठीक है। ही वॉज गिवन सोल इन चार्ज ऑफ गोल्ड इम्पोर्ट्स, FIA का हेड बनाया गया, ठीक है। अच्छा, अपने पास नोट बना के लिख लो, these reforms are extra, ठीक है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एज सच बेनजीर भुट्टो के सेकंड टेन्योर के नहीं आते, मैंने यहाँ पर लिखे हैं एक्स्ट्रा डिटेल के साथ, ठीक है, जस्ट फॉर यू गाइज, तो इसको देख ले। मुर्तजा भुट्टो कौन था बेनजीर का? मुर्तजा भुट्टो वॉज बेनजीर भुट्टोज ब्रदर, यस और नो? ठीक है, मुर्तजा भुट्टो है ना, इन दिनों सीरिया में था, कहां पर था? नुसरत बेगम, ठीक है, जो कि बेनजीर भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो की माँ थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की वाइफ थी। नुसरत कौन थी? वाइफ ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो की माँ का क्या नाम था? नहीं, नुसरत इस्फानी तो यही है, खुर्शीद बेगम, ठीक है। हुआ क्या, ये कौन सी साइड से खास तौर पर उठे थे? लाड़काना साइड से। कौन सी साइड से? लाड़काना साइड से। वहां पर मुर्तजा को जीत मिली थी बिकॉज ऑफ हिज मदर, सो ही वॉन एंड केम टू पाकिस्तान टू टेक हिज सीट, ठीक है। जैसे ही वो पाकिस्तान आया तो जिया के टाइम से मुर्तजा भुट्टो के ऊपर कई इल्जाम थे, ठीक है, तो इसको उठा के जेल में डाल दिया गया। हालांकि हिस्टोरियंस का ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको जेल में, क्योंकि बेनजीर और इसकी आपस में दुश्मनी हो गई थी, ठीक है। खैर बहरहाल, फिर इसको जेल से रिलीज किया गया बेल पर, तो इन्होंने स्टार्ट किया PPP-SBG, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अलग डिवीजन बन गई, शहीद भुट्टो ग्रुप। SBG का फुल फॉर्म है शहीद भुट्टो ग्रुप, शहीद भुट्टो। ये इट वॉज लेड बाय मुर्तजा भुट्टो। डज दैट मेक सेंस? बेनजीर को, अच्छा, ये SBG के जो लोग थे, ये बेनजीर को बेनजीर भुट्टो के नाम की जगह बेगम जरदारी बोलना शुरू हो गए, क्योंकि जरदारी करप्ट था। अब मुर्तजा और बेनजीर के आपस में दुश्मनी चल रही है, ठीक है। पुलिस से के हाथों मारा गया था, हालांकि ये कहा जाता है कि जरदारी ने जो है ना वो इसको कत्ल करवाया था। मुर्तजा भुट्टो इतना तेज आदमी था, इसने जरदारी को मुझे भी काट दी थी जरदारी की, ठीक है, इतना जो है ना वो। खैर बहरहाल, तो इसको कत्ल कराया गया था। डज दैट मेक सेंस? कोई इश्यू? अच्छा जी, आगे चले। अब बेनजीर का काम देखें, बेनजीर ने अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के ऊपर किसके ऊपर लगा दिया इल्जाम? प्रेसिडेंट लिगारी के ऊपर, बोला इन्होंने कत्ल करवाया। यस, एक्स्ट्रा पॉलिटिक्स है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेनजीर भुट्टो ने अक्सर पुलिस फोर्सेस यूज की टू कूल डाउन द ऑपोजिशन रैलीज वगैरह, ठीक है। किसी को पता है कि नवाज शरीफ ने कौन सी रैली चलाई थी? नवाज शरीफ ने, वेरी गुड, 1994 के अंदर नवाज शरीफ ने ट्रेन मार्च चलाई थी। क्या चलाई थी? ट्रेन मार्च, यस, ट्रेन मार्च चलाई थी, जगह जगह रुककर क्रिटिकल स्पीचेस दी थी बेनजीर के खिलाफ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में बेनजीर ने जो है ना वो कोई मसला यहाँ तक। बेनजीर का एक और काला मुंह यहाँ पर यह था कि बांग्लादेश से आने वाले लोगों माइग्रेशन पर बैन लगाया था, तो इससे बेटा पाक और बांग्लादेश के रिलेशंस खराब हुए, पाक और बांग्ला के रिलेशंस खराब हुए, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म हो गया। डज दैट मेक सेंस? कोई इशू यहाँ तक? नहीं कर। अच्छा, अब बात ये आती है कि इनकी गवर्नमेंट का डाउनफॉल क्यों आया, ठीक है, इसको रीड करें। अब मैं इसको 2 सेकंड में, उसके साथ बेटा वो अपनी देह भी, मतलब चले आ जाए। बहरहाल, तो सबको पॉलिटिकल रिफॉर्म समझ आ गए, ठीक है, चले आगे। रीजंस फॉर डाउनफॉल, क्यों बेनजीर का डाउनफॉल आया, ये सवाल आता है 7 मार्क के अंदर, दिस इज अ 7 मार्कर क्वेश्चन। व्हाई डिड बेनजीर भुट्टो फेल फ्रॉम द ऑफिस फॉर सेकंड टाइम? किस, कोई बोलता है जरदारी को देख रही थी, कोई बोलता है क्या कर रही थी, ठीक है, चले आ जाए। अपार्ट फ्रॉम, जो पहला रीजन है करप्शन, आसिफ अली जरदारी के ऊपर क्या क्या चार्जेस थे? मनी लॉन्ड्रिंग, लिख लें, मनी लॉन्ड्रिंग, किलिंग ऑफ मुर्तजा भुट्टो, किलिंग ऑफ मुर्तजा भुट्टो,
ठीक है, एक्सेट्रा, ये आसिफ अली जरदारी के ऊपर चार्जेस थे, इससे हुआ क्या? अच्छा, और बेनजीर ने क्या किया था? बेनजीर ने इसको रिलीज कर दिया था, बेनजीर ने इसको रिलीज कर दिया था, बेनजीर ने बेटा इसको रिलीज कर दिया था, तो इससे क्या नुकसान हुआ था? बेनजीर की रेपुटेशन खराब हुई थी। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए, एमपीए कौन होता है? मेंबर्स, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, और एमएनए कौन होता है? मेंबर नेशनल असेंबली। डज दैट मेक सेंस? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है। तो एमएनए और एमपीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, मर्डर, मनी लॉन्ड्रिंग, जैसा मैंने तुम्हें एग्जांपल दी, ठीक है। अब ऐसे बंदे को, आसिफ अली जरदारी जैसे बंदे को बेनजीर ने अपने कैबिनेट में रखा हुआ था। जो बोलता था सुबह में तुम मुझे कैबिनेट में रखो, मैं तो समझ गया बात को, तो ये हिसाब किताब इनका चलता रहता था, ठीक है भाई। अच्छा जी, आगे आए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, MQM, ठीक है। इनका क्या था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खूब कोशिश की थी कि MQM के इन्फ्लुएंस को कम कर सके, और इससे हुआ क्या? झगड़े फसाद हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कत्ल करवाए MQM के मेंबर्स और सपोर्टर्स को। इससे MQM के मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ने बेटा झगड़े फसाद किए, प्रोटेस्ट किया, और कराची हैदराबाद में झगड़े फसाद बढ़ते गए। इससे हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसके लिए इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। क्या हो गई? इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। तीसरा रीजन डाउनफॉल का, ऑपोजिशन फ्रॉम नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने ट्रेन मार्च स्टार्ट की थी कराची टू पिशावर इन 1994। जगह जगह जंक्शन पर रुककर क्रिटिकल स्पीचेस देता था, कई लोग इसको सुनते थे। अब नवाज शरीफ जो है वो हर जगह थ्रू आउट पाकिस्तान स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज कर रहा था, ठीक है। बेनजीर भुट्टो ने क्या किया? बेनजीर भुट्टो ने बोला यही मौका इनको अरेस्ट में डालो। तो बेनजीर भुट्टो ने जैसे ही ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया तो उससे क्या हालात सही भी होंगे और मजीद वर्स, मजीद वर्स, क्योंकि उनके सपोर्टर्स ने और ज्यादा जो है ना वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और चौथा रीजन इसकी डाउनफॉल का बेनजीर भुट्टो की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं जो हमने ऊपर डिस्कस, ये जो ऊपर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमने डिस्कस किए, ऑल दीज पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ब्रॉट, ऑल दीज रिफॉर्म्स ब्रॉट चैलेंजेस फॉर बेनजीर, चैलेंजेस फॉर बेनजीर। डज दैट मेक सेंस? आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? श्योर, ठीक है। अब हुआ क्या आखिर इसके बाद? बेनजीर का गिरी कैसे, बेनजीर उतरी कैसे ऑफिस से? प्रेसिडेंट लिगारी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी आई। किस चीज के ऊपर आई कॉन्फ्लिक्ट पर? कि मेन अपॉइंटमेंट्स कौन करेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी। तो लिगारी ने जो है वो बोला बेनजीर जो है ना वो इनकॉम्पिटेंट है, बेनजीर की जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को डील करने में। क्यों? क्योंकि उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, हर चीज बढ़ती जा रही थी। फाइनली प्रेसिडेंट लिगारी ने 8th अमेंडमेंट यूज करके बेनजीर भुट्टो को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिसमिस कर दिया इन 1996। ऑन नवंबर, इन द मंथ ऑफ नवंबर, बेनजीर भुट्टो एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर डिसमिस्ड अंडर 8th अमेंडमेंट बाय प्रेसिडेंट लिगारी। उसके बाद क्या हुआ? मलिक मेराज खालिद को बोला गया कि भाई तुम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, ठीक है। इलेक्शंस 1997 में हुए, नवाज शरीफ जीत गया एंड बिकेम प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टाइम। नवाज शरीफ कौन सी पार्टी में? IGI में नहीं है, पहले 8 ईयर से उसने जो है ना वो ऑपोजिशन में रहते हुए, जब ये ऑपोजिशन में था उस वक्त जो है ना वो इन्होंने, नवाज शरीफ ने IGI से अपनी किनारागशी कर ली थी, ठीक है, अब मुस्लिम लीग को लीड कर रहे। तो इसके साथ हमारा नवाज शरीफ का सेकेंड टेन्योर शुरू होता है। आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? कोई क्वेश्चन है रेलिवेंट तो पूछें। एक सेकंड जी रेखा, कौन बेटा? बेनजीर भुट्टो ने ये ब्लेम किया था
कि मुर्तजा भुट्टो मेरे भाई का कत्ल मैं थोड़ी कराऊंगी, मैं तो बहन हूँ, मैं तो बहुत अच्छी बच्ची हूँ, कत्ल तो लिगारी ने कराया है। और अब आप ऐसा सवाल करिए कि लिगारी जेल में क्यों था, तो बेटा एट अमेंडमेंट जब तक रहेगा प्रेसिडेंट को है ना कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये आप याद कर लो बात।